दोस्त, आज मैं एक ऐसे बिरहा के गायक से मुलाकात कराने जा रहा हूँ जो कि एक सफल गायक है और कामयाब गायक है। आज हम उनसे उनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, उन्होंने बिरहा की शुरुआत कब से शुरू किया उसके बारे में जानेंगे, और आज कहाँ तक पहुँचे हैं उसके बारे में जानेंगे, और आज हम उनसे कुछ भजन सुनेंगे, कुछ निर्गुण सुनेंगे और कुछ अन्य गाने सुनेंगे। तो चलो हम मुलाकात करते हैं उनसे। सबसे पहले हमारे व्यूवर्स, हमारे चैनल के जो देखने वाले साथी लोग हैं, वो लोग जानना चाहते हैं कि आपका नाम और पता क्या है। मेरा नाम विजय सौरभ ज्ञानपुरी। आपका पता? संसारापुर चक सुंदरपुर ज्ञानपुर भदोही। तो सौरभ जी, आपने बिरहा की शुरुआत कितने साल की उम्र में शुरू किया? श्रीमान जी, मैंने बिरहा का शुरुआत 1999 में स्टार्ट किया। आपने 1999 में शुरू किया? जी हाँ। उस समय आपकी उम्र कितनी थी लगभग? उस समय हमारी उम्र 18 के करीब में था। अच्छा, 18-19 साल के उम्र में आपने शुरुआत कर दी। जब आपके मन में बिरहा का ख्याल आया कि मैं अब गायक बनूंगा, तो उस समय आप कोई ना कोई गाना गुनगुना रहे होंगे? लोगों को सुनते थे रेडियो में, दूरदर्शन पर कार्यक्रम आता था, और टेप रिकॉर्ड कैसेट बजता था पहले, वो भी सुन करके हमें बहुत अच्छा लगता था जी। और जैसे बिरहा में बताया जाता है आल्हा विदेशिया पपट, ऐसे सब बीच बीच में कलाकार लोग बोलते थे। अच्छा अच्छा, तो उस समय आपने जो पहला शुरुआती गाना गुनगुना रहे थे, क्या हमारे व्यूअर्स को सुनाएंगे वो कौन सा गाना था जिसकी शुरुआत से आप बिरहा की दुनिया में आए? जी हाँ, बेशक तुम मेरी मुहब्बत हो, हाय बेशक तुम। ये तो गीत का अंदाज, लेकिन भाव में एक भक्त माँ के दरबार में जाके हाथ जोड़ के मत्था टेक कर ले, से माई ये दास के पास आपको कोनो टेलीफोन नंबर ना जौने से की दास आपसे बात कर सके जी। बड़ा आस लगा कि ये दास दरवाजे आपके आए भैया, आशा नहीं कि पूर्ण विश्वास माई जिक्रे ऊपर तू नजर फेर के ताक देलू धन्य हो जा। कि गाइला न हम तू हई गवावेलू, हाय गाइला न हम तू हई गवावेलू। कि बनी के बदरिया आ जाहु मयरिया, अरे सितरवा बजावेलू गाइला न हम गाइला न हम तू हई गवावेलू, हाय गाइला न हम तू हई गवावेलू। दियलू ध्यानम और ज्योति जरवलू मई तुलसी के तानम, अरे जलवा दिखावेलू गाइला न हम गाइला न हम तू हई गवावेलू, हाय गाइला न हम तू हई गवावेलू। कि तोहरा दिहल साजियो। अच्छा, इसी गाना से आपने शुरुआत किया बिरहा की दुनिया में जी। जब आपने बिरहा गाना शुरू कर दिया तो उस समय क्या आपकी शादी हो गई थी कि नहीं हुई थी? शादी नहीं। अच्छा, शादी नहीं हुई थी। शादी जब आपकी पड़ी
तो क्या आपके ससुराल वाले और आपके ससुर जी जानते थे कि जिससे मेरी बिटिया की शादी हो रही है वो बंदा करता क्या है, वो बिरहा गाता, जानते थे? हाँ जानते थे। चलिए, उसके बाद आपने जिंदगी में बहुत सारे मुकाम हासिल किए होंगे और मैंने सुना कि जब भी कोई आदमी कामयाब होता है उसके कामयाबी के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है, या तो माता जी का हाथ होता है, या तो बीबी का हाथ होता है, या तो उनके गुरुओं का हाथ होता है, या तो उनके दोस्तों का हाथ होता है। तो आपके कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? हमारे दोस्त थे राम लौटन बिंद, हमारे मोहल्ले जी, और एक डॉक्टर विजय यादव जी, और महेंद्र यादव जी, और सर्वजीत प्रधान जी। यानी ये तीनों लोग आपका सपोर्ट किए। और एक चीज़ और बताया, जब आपने बिरहा गाना शुरू किया तो गांव मोहल्ला वाले बोलते जरूर होंगे अरे बड़का गवैया बनने चले, क्या आपके भी जिंदगी में ऐसा लोग ताना मारते थे? नहीं मारते थे, ताना तो बहुत मारते थे, लेकिन हमें संगीत की तरफ मूड मिजाज बना के रहना था। कोई फर्क नहीं पड़ा दुनिया वालों को, समाज के वालों को, कि बस हमको गाना है तो गाना, दुनिया जो कहे कहती रहे, हमसे कोई मतलब नहीं, केवल गाने से मतलब है दुनिया से जी। उसके बाद आपने अपने जिंदगी में कभी न कभी कोई ऐसी सिचुएशन आई होगी जी कि जब आपका दिमाग खराब हो गया कि अब बिरहा गाना बंद कर दूं, या घर वाले मना कर रहे हैं, या कोई ऐसी सिचुएशन आपकी जिंदगी में आई थी कि जब आया तो बहुत, लेकिन हमने अपने जिंदगी को समर्पित जी बिरहा जगत में बिरहा के नाम पर समर्पित करके छोड़ा। अच्छा, कौन सा सिचुएशन ऐसा आया था जिस समय आपका ये मूड बन गया था कि अब बिरहा नहीं गाऊंगा? ऐसा आया कि हमारे चाचा जी खत्म हो गए, चाचा जी सपोर्ट करते थे जी, चाचा जी खत्म हो गए, और पहले से मैं 3 साल का था तभी मेरी माँ खत्म हुई, घर गृहस्थी झेलते हुए ना जाने कितने परिस्थितियों से दर दर के ठोकर खाते हुए चले आए, लेकिन फिर भी माँ सरस्वती की आराधना अर्चना में दिल दिमाग लगा लिया। अच्छा, मतलब बहुत सारी कठिनाइयाँ और परेशानियाँ आई आपकी जिंदगी में, लेकिन आपके दिमाग से जो कहते ना कि जो दिमाग में चढ़ गया था बिरहा गायक बनना वो उतरा नहीं। हम अपने दिमाग में सोच लिए हम कुछ करें या ना करें, लेकिन बिरहा गाए जी। चलिए, और अब आप बताइए सौरभ जी कि जब आपने बिरहा गाना शुरू किया कहीं ना कहीं आप स्टेज शो किए होंगे जी। हाँ, तो पहला स्टेज शो आपका कहाँ पर हुआ था और किसके साथ मुकाबला था? पहला स्टेज शो नथईपुर में हुआ था, नथईपुर गेट के नाम से प्रसिद्ध है जी, और लालचंद गौड़ खाद भंडार की दुकान थी जी, उन्हीं की दुकान पर उन्हीं लोग कराए थे, हीरा लाल सरोज के साथ हुआ था। अच्छा, जो कि नोहर गुरु के अखाड़े से चला। अच्छा, बहुत सीनियर। उस समय जब आपने पहली बार स्टेज शो करने गए थे और जैसे ही आप स्टेज पे चढ़े, कहते नहीं है कि लोगों को नीचे सब कुछ याद रहता है लेकिन जैसे स्टेज पर चढ़ते हैं तो सब भूल जाते हैं, तो क्या आपके पास साथ भी ऐसा हुआ था कि स्टेज चढ़ते जो याद था बिरा सब भूल गए? नहीं, ऐसा कोई बात, डर लग रहा था स्टेज चढ़ने के बाद? कहाँ पर रहा था, सारे कंट्रोल में था? पहली बार थोड़ा बहुत जब आवाज को बढ़ाता तो हमें थोड़ा भय बना रहता। अच्छा, डर बना था, डर भय बना रहता था, लेकिन जब एक गाना गाने के बाद दूसरा गाना जब मैंने स्टार्ट किया पूरी ऑटोमेटिक डर खत्म, डर उसी दिन से डर मेरा खत्म जी जी। अब एक चीज़ और हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं सौरभ जी आपसे जी, कि जब आपने पहला गाना स्टेज शो किया था उसमें पहला कोई गीत गाए होंगे ना, वही गीत क्या हमारे व्यूअर्स को इस वीडियो के माध्यम से सुनाएंगे कि मैंने पहली शुरुआती दौर में बिरहा का जो पहला स्टेज शो किया था उसके अंदर जो पहला गाना गाया था वो गाना यही था? हमने पहला मंच पर पहला गीत दिया माँ सरस्वती का अर्चना वंदना नमन करते हुए, बंद गुरुवर मात पिता अज बंदो सकल समाज, कृपा दृष्टि हो आपकी पूरण हो ममका, कि जय अम्ब जगदम्ब जगजन्य ज्ञान बुद्धि के दाता जी, खंड 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 महिमा स
सकल मनोरथी पाता बेचार जग कथिकार नहीं पार पाय जगदम्ब जग जननी अहंकार दे दिल विसार जरा हम परि करो रहम जननी। कोई उपमा करे क्या तेरे प्यार की रूप ममता के साचे में ढाला तेरा तेरे घर से कोई खाली लौटा नहीं तो अपने ममता की झांकी दिखा दे रे मां पपिहता रब को कुछ भी नहीं चाहिए बस दिल में बसेरा बना ले रे मां। यानी यही आपने पहला स्टेज शो में यही पहला आपका गीत वंदना गीत था, इसी से आप चमक गए। चलिए अब एक चीज और हमारे व्यूअर जानना चाहते हैं कि आज तक अगर देखा जाए तो आप बिरहा की जगत के माध्यम से कल अपने गायकी की दुनिया के माध्यम से कई जिलों में आपको जानते होंगे, जैसे भदोही जिला हो गया, मिर्जापुर हो गया, जौनपुर हो गया, बनारस हो गया, उसके बाद प्रयागराज हो गया, कौशाम्बी हो गया, बहुत सारे जिले आपको जानना शुरू कर दिए। तो दोस्तों आपने आज मुलाकात किया एक सफल गायक सौरभ जी जो कि एक सफल गायक हैं। ऐसे ही आपको अलग अलग गायकों के जिंदगी के बारे में, जीवन परिचय के बारे में मैं अशोक ब्लॉग चैनल के माध्यम से वीडियो में सुनाता रहूंगा, उनके जिंदगी के बारे में बताता रहूंगा। अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू थैंक यू।